क्या सो रहा है तू ये भी नहीं जानता कि क्या खो रहा है तू। जो जाग रहा है वो भाग रहा है। जितना ज्यादा सोएगा उतना ज्यादा खोएगा। जो जितना ज्यादा जागेगा वो उतना ज्यादा आगे भागेगा। सोता रहेगा तो खोता रहेगा। सोना बंद करेगा तो खोना भी बंद करेगा। चाहे कितना भी आलस आए लेकिन जब उठने का समय हो तो अपनी नींद को उसी तरह अलग कर देना जैसे सांप केंचुली को अलग करता है। अगर सांप अपनी केंचुली को अलग नहीं करेगा तो वही केंचुली उसका अंत भी कर सकती है। इसलिए उसको वो उतारनी ही पड़ती है। इसी तरह से अगर तुम अपने आलस को अपनी बहुत ज्यादा या बिना जरूरत की सोने की आदत को नहीं उतार के फेंकोगे तो यही आदत तुम्हें खा जाएगी और तुम कई लाइलाज बीमारियों के मरीज बन सकते हो। जैसे कि जिंदगी में बर्बाद होने की बीमारी, अपने सपने खुद ही तोड़ देने की बीमारी। आलस के साथ बिताया गया एक पल भी मृत्यु के समान है क्योंकि आलस के वक्त तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब भी जरूरत से ज्यादा नींद आए तो सोचना कि क्या पूरी दुनिया ही सो रही है। नहीं मेरे दोस्त, जो आगे बढ़ने के शौकीन है वो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ जागे जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं और उनसे तुम दुगुनी स्पीड से पीछे हटते जा रहे हो। नींद आए तो नहा लेना, 10 पुशअप मार लेना, थोड़ा टहल लेना, लेकिन अगर असली इंसान हो तो उसके सामने कभी घुटने मत टेकना। अपने आप को याद दिलाना कि तू पहले ही कितना खो चुका है, अब तू और कितना खोना चाहता है। लोग पाने की होड़ में है और तू खोने पे तुला हुआ है। लोग पागल है कुछ बड़ा करने को और तू जिद पे अड़ा है आलस का घड़ा भरने को। जिनको जिंदगी में कुछ करना होता है वो सबसे पहले तो अपनी नींद को उसकी लिमिट में रखते हैं। अगर तुम सच में नहीं सोना चाहते और तुम्हारा काम में या पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो नींद जबरदस्ती कभी नहीं आएगी। जो लोग बोलते हैं कि पढ़ते वक्त नींद आती है तो उनसे मेरा कहना है कि जब बॉर्डर पे एक सिपाही खड़ा होता है तो रात में उसकी एक हल्की सी झपकी पूरे देश पे भारी पड़ सकती है। सो तो वो भी सकता है, फिर भी ऐसा क्या है जो उसको ठंड में, गर्मी में, बरसात में जगाए रखता है। जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी को दिल से महसूस करता है और सोने के खतरे को अच्छी तरह समझता है और इसीलिए वो पूरी रात पर जाग सकता है। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम आज सो गए तो कल तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम पर कोई गोली नहीं चलने वाली, ना ही तुम किसी जिम्मेदारी को फील करते हो। और यही कारण है नींद आने का, आलस करने का, कि तुम अपने आप को जरूरत से ज्यादा आजाद पंछी समझने लगे हो। अरे कम से कम उन 4 आंखों का तो ख्याल करो जो तुम्हें सबसे ऊंची जगह पे देखना चाहती है। अरे कम से कम उनकी मेहनत की इज्जत करो जो तुम्हारे सपनों के लिए अपनी नींद तब से ही छोड़ चुके हैं जब तुम्हारा इस दुनिया में पहला दिन भी नहीं आया था। इतने कमजोर तो नहीं है वो फिर तुम क्यों हो गए? इतने कायर तो नहीं वो फिर तुम क्यों हो गए? सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं तो फिर आलस क्यों कर रहे हो तुम? जब मेहनती लोग जाग रहे हैं तो क्यों अपने आप को पीछे कर रहे हो तुम? अरे एक वादा कर लो अपने आप से आज कि मैं देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करूंगा। फिर किसी नींद और आलस की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हें छू भी सके। जय हिंद, वंदे मातरम। Did fix.